नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के लाइव प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि आज 8 अगस्त 2021 को प्रीपीजी का जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया गया उसके आंसर की किस प्रकार से रह सकती है उसका अपन डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। हो सकता है यहाँ पे एक दो क्वेश्चन या ऐसे हो जिसमें अपन थोड़ा कंफ्यूज हो और जो है रॉन्ग हो सके, लेकिन कोशिश यही की गई है मैक्सिमम प्रश्न आपके यहाँ पे सही हो, ये अपनी कोशिश रहेगी। तो अपन शुरू करते हैं आज के अपने आंसर की। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है कि द डोमिनेंस ऑफ अ न्यू जेनेटिक फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंट चेंज इज कॉल्ड। डोमिनेंस ऑफ जो होता है जेनेटिक फॉर्म में इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण, यह किसके कारण होता है? तो दैट इज द आपका नेचुरल सिलेक्शन जाएगा, इसमें आंसर आपका फोर्थ वन होगा। देन बढ़ते हैं अपन इसमें आगे। सोइल वाटर पोटेंशियल एट द फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी पर सोइल वाटर की जो होगी रेंज जो होगी वह आपकी कितनी होगी? तो इस केस में आपका आंसर जाएगा थर्ड वन, दैट इज द -0.12 -0.03 MPa आएगा। देन इन विच सिस्टम ऑफ द ड्रेनेज अरेंजमेंट डेड फ्रोज आर फॉर्म्ड, कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें डेड फ्रोज जो बनाई जाती है? तो इस केस में आंसर आपका थर्ड वन जाएगा, दैट इज द बेडिंग सिस्टम। और यहां बता दो जो सीरीज चल रही है अपनी ए सीरीज के अपन सोल्व कर रहे हैं वो आप देख लेना, तो यहाँ पे बेडिंग सिस्टम आएगा। देन बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, फोर्थ वन क्वेश्चन की ओर। और फोर्थ वन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, निम्न में से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो इस केस में आपका फोर्थ वन जाएगा, दैट इज द सोइल डिग्रेडेशन जो है इसका कंपोनेंट नहीं है। पांचवा नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉन एज द पुअर मेन्स मीट, कौन सी फसल जो है जो पुअर मेन्स मीट के नाम से जानी जाती है? तो वो आपकी सोयाबीन है, आंसर इसमें दूसरा जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पर्ल मिलेट एंड द ब्लैक ग्राम इज एन इंपॉर्टेंट इंटरक्रॉपिंग ऑफ विच स्टेट, बाजरा और उड़द की जो इंटरक्रॉपिंग है वो कहां पर ज्यादा की जाती है? तो ये राजस्थान के केस में की जाती है, आंसर सेकंड जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द कंटिजेंट क्रॉपिंग ग्रोइंग अंडर, यानी कंटिजेंट क्रॉपिंग की जाती है उसका कंपोनेंट कौन सा नहीं है? ये प्रश्न आपसे किया गया नहीं है, तो दैट इज द नॉर्मल वेदर कंडीशन, क्योंकि नॉर्मल वेदर कंडीशन होगी तो कंटिजेंट क्रॉपिंग नहीं की जाएगी, है ना। कंटिजेंट क्रॉपिंग वही होती है जब अब नॉर्मल वेदर कंडीशन होती है, यानी अबरेंट वेदर कंडीशन होती है। देन आगे अगला क्वेश्चन है, अ फार्मर अप्लाइड 100 लीटर ऑफ हर्बिसाइड सोल्यूशन हैविंग अ कंसेंट्रेशन ऑफ 0.02%, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड अप्लाइड। तो इस केस में आपका आंसर आएगा 200 ग्राम, आंसर सेकंड वन जो होगा आपका राइट होगा। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नवा नंबर क्वेश्चन था आपका, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ड्राईलैंड फार्मिंग सिस्टम एम्फेसिस, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ड्राई फार्मिंग जो सिस्टम है वह किस पर एम्फेसिस करता है? तो इस केस में आपका आंसर जो जाएगा थर्ड वन जाएगा, दैट इज द कंजर्वेशन एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। देन क्वेश्चन नंबर 10, फार्मिंग सिस्टम रिसर्च इन्वॉल्व्स, फार्मिंग सिस्टम रिसर्च जो होता है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, यह प्रश्न आपको किया गया है। तो दैट इज द लो कॉस्ट लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज का इसमें उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसमें आपको पूछा है बेक क्रॉसिंग मेथड इज यूज, बेक क्रॉसिंग मेथड जो कहाँ यूज होता है? फॉर इंप्रूविंग द सिंगल ट्रेड, सिंगल ट्रेड के लिए। वैसे आप जानते होंगे रेजिस्टेंस वैरायटी डेवलप करने के लिए अपन इसको काम में लेते हैं बेक क्रॉस को। आगे आता है, वन साइकिल ऑफ द सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन इज कंप्लीटेड इन, सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन की एक साइकिल कब पूर्ण हो जाती है, कितने समय में पूर्ण हो जाती है? तो इस केस में आपका आंसर सेकंड जाएगा, दैट इज द 3 ईयर्स। देन अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रिकॉम्बिनेशन फ्रैक्शन एक्सप्रेसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द क्रॉस ओवर्स वर्सेस द पेरेंटल कॉम्बिनेशन इन अ प्रोजेनी इज नॉन एज, इसको अपन क्या कहेंगे? तो इस केस में आपका आंसर सेकंड जाएगा, दैट इज द लिंकेज मैप। देन अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द प्रोसेस ऑफ हेरिटेबल स्ट्रक्चर चेंज इन द जीन इज नॉन एज, जो चेंजेस होता है जीन के अंदर वह आपका किस नाम से जाना जाएगा? तो वह म्यूटेशन के नाम से जाना जाएगा, आंसर इसमें फोर्थ वन आएगा। देन अगला क्वेश्चन 15 नंबर, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन अनओपन्ड फ्लावर बर्ड, अनओपन्ड फ्लावर बर्ड के होना क्या कहलाएगा? दैट इज द क्लिस्टोगेमी, आंसर इसमें आपका सेकंड वन जाएगा। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन क्लास ऑफ द सर्टिफाइड सीड इन इंडिया, इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड सीड जो होता है वह प्रोड्यूस नहीं होता है, थर्ड वन इसमें आंसर जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एपोमिसिस, एपोमिसिस की फॉर्म यहाँ पे कौन सी नहीं है? तो इस केस में आपका आंसर चौथा जाएगा, दैट इज द सेल्फिंग। देन अगला क्वेश्चन है, द टर्म नोबिलाइजेशन इज अ कॉमन इन, ये गन्ने में टीएस वेंकटरमन ने काम में लिया था, इस केस में शुगर केन आंसर जाएगा आपका। देन अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड डबल क्रॉस हाइब्रिड एंड सिंथेटिक एंड कंपोजिट आर कॉमन इन, ये आपको पता होगा मक्का में ज्यादा जो है फेमस है और मक्का को इसीलिए अपन जो है ड्रोसोफिला के नाम से भी जानते हैं, तो मैं जाएगा इसमें आंसर। देन द शुगर केन वेरायटी कवरिंग द मैक्सिमम एरिया इन द कंट्री, कौन सा जो है जिसका मैक्सिमम एरिया कंट्री के अंदर है,
तो उस केस में आपका को 0238 जाएगा जो आपको पता होना चाहिए। देन अगला क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज डोमिनेंट इन द एल्कली सोइल, एल्कली सोइल के अंदर जो है कौन सा साल्ट जो होता है वह डोमिनेंट होता है। इस केस में आपका सीओ जाएगा, आंसर थर्ड वन जाएगा इसमें। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें आपसे पूछा गया था कि इफ द सोइल पीएच इज अ 4.5 देन द विच टाइप ऑफ द सोइल रिक्वायर्ड द मोर अमाउंट ऑफ द लाइन। जब 4.5 पीएच होगा तो किसको जो है लाइन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो उस केस में क्ले सोइल को रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, आंसर फर्स्ट वन जाएगा। देन इन विच द न्यूट्रिएंट द माइक्रोबियल प्रोसेस आर इंपॉर्टेंट टू द मेक इट अवेलेबल। माइक्रोबियल प्रोसेस किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने सुना होगा नाइट्रोजन के लिए, आपने सुना होगा राइजोबियम और इनका नाम सुना होगा, फॉस्फोरस के लिए फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया सुना होगा, तो आंसर आपका फर्स्ट वन जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं, हाउ मच कार्बन कंटेंट इन द ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कार्बन होती है 58% जो आपको पता होना चाहिए, आंसर आपका फर्स्ट वन जाएगा। देन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द कॉमन सर्व यूज फॉर द ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग के लिए कौन सी सर्व यूज में लेते हैं, सर्व शब्द आया तो इस केस में आएगा आपका ग्लाइरिसिडिया, आंसर नंबर फोर जो होगा इस केस में आपका राइट जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं, परसेंट P2O5 इन ए सिंगल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट में फॉस्फोरस कितनी होती है, तो 16% होती है, आंसर आपका सेकंड जाएगा। देन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है विच इज द नेशनल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द ऑल फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। तो इसमें है आपका फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर FCO होगा, तो आंसर थर्ड वन इसमें राइट जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हु सजेस्ट द टर्म द फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स। फंक्शनल न्यूट्रिएंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो यह निकोलस ने दिया था, इस केस में आंसर आपका थर्ड वन जाएगा। देन अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सोइल सर्वे इज मोस्ट यूज फॉर वाटर सेट प्लानिंग। वाटर सेट प्लानिंग के लिए जो यूज होती है वह डिटेल्ड सर्वे होती है, आंसर आपका सेकंड वन होगा। देन आगे बढ़ते हैं, मडी रन ऑफ फ्रॉम द फील्ड इज एन इंडिकेटर ऑफ। मडी रन ऑफ जो होता है वह किसके कारण से होता है, तो इस केस में आंसर आपका सीट इरोजन जाएगा, सीट इरोजन के केस में मडी इरोजन होता है। देन आगे बढ़ते हैं, विच माइक्रोब इज कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द एल्कोहलिक बेवरेज। एल्कोहलिक बेवरेज के केस में किसका यूज होता है, तो इस केस में आपका कौन सा प्रोड्यूस होता है, तो इस केस में आंसर आपका सेकंड वन जाएगा, दैट इज द सैकेरोमाइसिस सेरेविसिया। देन अगला क्वेश्चन है लास्ट वन 32 इसमें कि द असिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अ फंगस विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। हायर प्लांट के केस में जो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है वह माइकोराइजा का होता है, जो फॉस्फोरस के लिए होता है, जो आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, 33 की ओर चलते हैं। और 33 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया था कि विच माइक्रोबियल स्पीसीज आर यूज एज द बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट फॉर द प्लांट पैथोजन अंडर द फील्ड कंडीशन। इसमें आएगा आपका ट्राइकोडर्मा आएगा आंसर। देन 34, रस्ट पैथोजन बिलोंग्स टू द विच ग्रुप ऑफ फंजाई। रस्ट कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है, तो दैट इज द बेसिडोमाइसिटीज, आंसर नंबर थर्ड जाएगा आपका। देन अगला क्वेश्चन था 35, व्हाइट रस्ट ऑफ द क्रूसिफर। व्हाइट रस्ट जो होती है क्रूसिफर की किसके कारण से होती है, दैट इज द एल्बिगो कैंडिडा, आंसर आपका सेकंड जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है फाइटोप्लाज्मा बिलोंग्स टू द विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन से ग्रुप से फाइटोप्लाज्मा बिलोंग करता है, इसमें बैक्टीरिया जाएगा, आंसर आपका सेकंड जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है रेड रोट डिजीज ऑफ सुगरकेन इज कॉज्ड बाय विच फंगस। रेड रोट डिजीज किसके कारण होते हैं, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, आंसर थर्ड वन जाएगा। देन 38, जिलेटिनस मैट्रिक्स इन अ मेलिडोगाइनी इज सिक्रेटेड बाय, दैट इज द रेक्टल ग्लैंड, इस केस में आंसर आपका फोर्थ वन जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है ट्रिपेन ब्लू हैज बीन परफेक्टेड फॉर द स्टेनिंग एक्सेक ऑफ। किसके एक्सेक के लिए ट्रिपेन ब्लू को यूज होता है, तो दैट इज द रोटाइलेंकस रेनिफॉर्मिस के लिए यूज किया जाता है, आंसर इसमें थर्ड वन जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, द स्पीसीज ऑफ द रूट नॉट निमेटोड दैट अटैक्स द वीट। वीट पर अटैक करने वाली स्पीसीज कौन सी है, तो दैट इज द प्रेटाइलेंकस थोर्नी आएगा, आंसर इसमें थर्ड वन जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं, होल पॉड एडिबल वैरायटी ऑफ पी। पी की कौन सी वैरायटी जिसका पॉड जो होता है पूरे एडिबल होता है, तो दैट इज द अर्का अपूर्वा, आंसर इसमें भी थर्ड वन जाएगा। देन अगला क्वेश्चन 42, केइकीज एंड सुडो बल्ब्स आर द प्रोपगेशन यूनिट ऑफ व्हिच कट फ्लावर। किस कट फ्लावर में ये जो है अपन प्रोपगेशन के लिए काम में लेते हैं, तो ऑर्किड आएगा इसमें, आंसर फर्स्ट वन जाएगा आपका। देन अगला प्रश्न है आपके सामने, कैलिक्स स्प्लिटिंग इज एन इंपॉर्टेंट पोस्ट हार्वेस्ट डिसऑर्डर ऑफ द कट फ्लावर। कौन से कट फ्लावर में होता है, तो कार्नेशन, आंसर इसमें थर्ड वन जाएगा। आप बढ़ते हैं अपन 44 नंबर क्वेश्चन की ओर, और 44 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया था कि टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर द स्नोबॉल टाइप ऑफ कॉलीफ्लोर वैरायटी। कॉलीफ्लोर वैरायटी की स्नोबॉल टाइप ऑफ वैरायटी के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो 12 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड, आंसर थर्ड वन जाएगा। देन ड्वार्फ केमेंडिस बिलोंग टू द विच जीनोमिक ग्रुप। ड्वार्फ केमेंडिस जो आपके बनाना का है उसका जीनोमिक ग्रुप क्या होता है, तो AAA होता है, आंसर फोर्थ वन जाएगा। देन फ्रूट ट्री पोलिनेटेड बाई बर्ड्स, जो पोलिनेशन बाई बर्ड्स के द्वारा होती है फ्रूट ट्री, उस केस में आपका आंसर क्या होगा, तो इस केस में आपका आंसर जो जाएगा वह सेकंड जाएगा। और ये आपको बताओ तो अपने एग्रीकल्चर सार के अंदर भी ये प्रश्न दे रखा है, पेज नंबर 200
25 पर दे रखा है। आगे है लो साल्ट टॉलरेंट फ्रूट ट्री, लो साल्ट टॉलरेंट फ्रूट ट्री जो है आपका कौन सा होगा, तो इस केस में आपका एप्पल होगा, आंसर थर्ड वन जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं, इन विच फ्रूट ट्री बर्ड्स बोन्स टर्मिनली, किसमें बर्ड्स टर्मिनली बनते हैं, तो चेरी में बनते हैं और एक आपके बनते हैं मैंगो में, इसमें आंसर आपका फर्स्ट वन जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोसेस फूड एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर इन द विच ईयर 1955, इस केस में आंसर जो जाएगा आपका फोर्थ वन जाएगा। देन रूबी हाइब्रिड ऑफ द पोमग्रेनेट इज डेवलप्ड बाय एट, रूबी हाइब्रिड जो है कहां से विकसित की गई है, ये भी एग्रीकल्चर सार में दे रखा होगा, IIHR बेंगलोर से विकसित की गई है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लॉयल टिम्बर ऑफ पुअर फार्मर, लॉयल टिम्बर जो है वह किसे कहा गया है, वैसे विलायती बबूल को बोला गया है, विलायती बबूल जो है आप यहाँ पे नहीं दे रखा ऑप्शन में, तो उस केस में आपका आंसर जाएगा या बंबू, बंबू जो होगा वह लॉयल टिम्बर ऑफ पुअर फार्मर के नाम से जाना जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इन द नॉर्थ अमेरिका टेम्परेट ग्रासलैंड आर कॉल्ड, टेम्परेट ग्रासलैंड जो होती है नॉर्थ अमेरिका में क्या कहलाती है, प्राइरीज के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन फर्स्ट वन राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 53 में आपको पूछा गया है, ज्योग्राफिकल सीड सोर्स फ्रॉम वेयर द सीड प्रोपोगल्स ऑफ एनी स्पीशीज आर कलेक्टेड इज नोन एज, दैट इज द सीड सोर्स कहलाएगा, आंसर आपका फर्स्ट वन जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है, मेन कंटेंट ऑफ द कथा, कथा का मेन कंटेंट क्या होता है, कैटेचिन होता है, आंसर फर्स्ट वन जाएगा। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 55 नंबर, और 55 नंबर में पूछा है, प्रोजेक्ट स्नो लिपोर्ड वाज लॉन्च्ड इन, ये आपका कब लॉन्च हुआ, ये प्रश्न आपसे यहां पे किया गया, और इस केस में आपका आंसर जाएगा 2009, आंसर थर्ड वन जाएगा। देन द अंबुज मरिया ट्राइब्स आर द फाउंड इन, ये ट्राइब्स कहां पे पाई जाती है, वैसे बेसिकली ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए ऑप्शन के अनुसार ये जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इसमें आंसर आएगा। देन अगला क्वेश्चन है, प्रोजेनी फॉर विच ओनली वन पेरेंट इज नोन, जिसका एक ही पेरेंट जाना गया हो या जिसको अपन जानते हैं तो वो हाफ सिप कहलाएगा, क्योंकि अगर दोनों ही पता हो तो वो फुल सिप के नाम से जाना जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, द डायमीटर क्लास फॉलोड इन इंडिया, इंडिया के अंदर डायमीटर क्लास फॉरेस्ट्री में कौन सी फॉलो की जाती है, तो इसमें आंसर फर्स्ट वन जाएगा, 2, 5, 10। देन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द लीफ लीटर, लीफ लीटर के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है, तो 500 से 1000 के बीच होता है, ऑप्शन आपका सेकंड राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ द व्हीट मेज पॉपुलर और लाइव स्टॉक गिव राइज टू एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम, ये कौन सा एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम देता है, एग्री सिल्वी पास्चर, आंसर नंबर सेकंड जाएगा। देन फायर फ्लाई बिलोंग्स टू द विच ऑर्डर, वैसे लैम्पायरिडी से बिलोंग करती है, अपन कहते हैं जुगनू के नाम से जानते हैं जो लाइट प्रोड्यूसिंग करती है, तो ये जो जाएगा आपका कोलियोप्टेरा से जाएगा, आंसर आपका थर्ड वन जाएगा। देन अगला है, फिल्टर चैम्बर इज द सीन इन द विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट, फिल्टर चैम्बर जो होती है आपके इंसेक्ट के जो है डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाई जाती है, ये होमोप्टेरन में अर्थात एफिड के अंदर पाई जाती है, आंसर आपका फर्स्ट वन जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं, विच इंसेक्ट कॉज द स्क्लेरोटाइजेशन इन द ब्रिंजल लीफ, ब्रिंजल लीफ के अंदर ये करता है आपकी इपिलेक्ना बीटल, इपिलेक्ना विजिंटियो पंक्टाटा के नाम से जाना जाता है। देन अगला क्वेश्चन है, ओकरा येलोवेन मोजेक वायरस एंड काउपी मोजेक वायरस आर ट्रांसमिटेड बाय, ओकरा येलोवेन मोजेक वायरस ट्रांसमिट होता है व्हाइट फ्लाई से और काउपी का मोजेक वायरस होता है एफिड से, लेकिन व्हाइट फ्लाई की बात करें तो बेमिशा टेबेसा ही है और एफिड है इसमें, एपिस क्रासिवोरा, और एफिड क्रासिवोरा जो स्पीसीज है ये आपके पल्सेस के अंदर नुकसान पहुंचाती है, जो आपको पता होना चाहिए। देन अगला क्वेश्चन है, बैगिंग ऑफ फ्रूट्स विद द पेपर बैग एंड मसलिन क्लॉथ इन द पोमग्रेनेट इज अगेंस्ट व्हिच पेस्ट, किस पेस्ट के लिए करते हैं, तो अनार बटरफ्लाई के नाम से आपने सुना होगा, नाम कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम है डियोडोरिक्स या विराचोला आइसोक्रेट्स, इसमें आंसर आपका फर्स्ट वन जाएगा। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें आपसे पूछा गया था कि What kind of nesting behavior is seen the Apis serena indica? Apis serena indica जो भारतीय मधुमक्खी के नाम से जानी जाती है, उसकी nesting behavior कैसा होता है? तो यह parallel comb बनाती है, answer आपका third one होगा। Then the idea of controlling the insect by sterilizing them was first coined by, आपको पता है male sterilizing technique को सबसे पहले 1937 के अंदर जो है Nippling नाम के वैज्ञानिक ने स्क्रूवम फ्लाई के लिए अमेरिका में काम में लिया था, आंसर सेकंड वन जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है, अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट प्लांट ओनली कुसमी स्ट्रेन ऑफ द केरिका लेका कैन बी डेवलप्ड, वैसे कुसुमी स्ट्रेन बेसिकली जो होता है कुसुम के अंदर किया जाता है या कुसुम के पौधे पर जो है इसको रियर किया जाता है, लेकिन अगर अपन यहां पे ऑप्शन देखेंगे इस ऑप्शन के अनुसार जो आंसर जाएगा ब्यूटा मोनोस्पोरा जाएगा, आंसर फर्स्ट वन जाएगा। अंडर द एल्कलाइन कंडीशन, एल्कलाइन कंडीशन के अंदर डीएनए और आरएनए के पर क्या फर्क पड़ेगा, यह प्रश्न आपसे किया गया और इस केस में जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा आपका सेकंड वन, दैट इज द आरएनए इज द रैपिडली हाइड्रोलाइज, आरएनए जल्दी से जो होगा हाइड्रोलाइज हो जाएगा, यानी एल्कलाइन कंडीशन पे आरएनए जो होता है अनस्टेबल होता है जबकि डीएनए जो होता है वो स्टेबल होता है। देन आगे बढ़ते, विच ऑफ द एंजाइम्स द रिक्वायर्ड द एटीपी और जीटीपी, कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसको एटीपी और जीटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपका लाइगेज है, आंसर नंबर सेकंड जाएगा।
देन द रेंसिडिटी ऑफ द लिपिड इन द लिपिड रिच द फूड स्टफ इज बिकॉज ऑफ रेंसिडिटी जो होती है वह किसके कारण से होती है, रेंसिडिटी जो होती है वह आपके ऑक्सीडेशन और फैटी एसिड्स के कारण होती है, आंसर नंबर फोर्थ वन जाएगा। देन द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू रिजनरेट इन टू अ होल प्लांट फ्रॉम विच इट इज डेवलप इज नोन एज द टोटिपोटेंसी कहेंगे, जब एक छोटा सा भाग जो है पूरे पौधे को डेवलप कर सकता है वह टोटिपोटेंसी के नाम से जाना जाएगा। विच वर्ड द मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग और एन्यू, बिगिनिंग और एन्यू को कौन डिनोट कर रहा है, तो डी नोवो डिनोट कर रहा है, आंसर आपका सेकंड जाएगा। देन अगला क्वेश्चन 74 के अंदर आपको पूछा गया है कि फोटो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस अकर इन, फोटो रेस्पिरेशन कहां होता है, दैट इज द पेरोक्सिस्म इन द एसोसिएशन विद द क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया, आंसर थर्ड जाएगा। देन द एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन द सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनएरोबिक रेस्पिरेशन सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है उसके कारण कौन सा उत्पाद बनता है, तो दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल और लैक्टिक एसिड एंड द CO2 का जो फॉर्मेशन होगा, आंसर नंबर फर्स्ट जाएगा। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 76 नंबर, हाइड्रोपोनिक्स इज द टेक्निक ऑफ, हाइड्रोपोनिक्स जो है किस प्रकार की तकनीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स जो टेक्निक है वो आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोपोनिक्स जो आपकी टेक्निक है ये आपकी ग्रोइंग प्लांट्स इन द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, आंसर नंबर थर्ड जाएगा। और फोर्थ जो कह रहा है वो एरोपोनिक्स के लिए बोल रहा है, इसमें आंसर आपका थर्ड वन जाएगा। देन द फ्रंट लाइन एंड द मेथड डेमोंस्ट्रेशन आता है एग्जांपल ऑफ विच एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, तो ये ग्रुप कॉन्टेक्ट का मेथड है, आंसर नंबर सेकंड जाएगा। 78 द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लॉन्च द इनोवेशन टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट प्रोग्राम इन 1995 which was based on the concept of the participatory mode ensuring the greater linkage between the scientist and the farmer in the bottom approach, ye jo tha IVLP institutional village linkage program aapko batana chahiye, isme answer number 3rd jayega। agla question hai FL Briney jo hai kisse sambandhit hai, to ye Gurgaon project se, answer number 2nd jayega। then 80 number question used as a visual extension aids, these are the series of the cards which the when presented before the audience in the proper sequence tell a story, jo ek story ko kehte hai jo ek sequence mein jo hai show kiye jate, to is case mein answer aapka 3rd one जाएगा, दैट इज द फ्लैश कार्ड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, फ्लैश कार्ड्स। अगला क्वेश्चन है टू प्रोवाइड द रिसर्च वर्कर्स एंड द अपॉर्चुनिटी टू गेट द फास्ट हैंड नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम्स बीइंग द फेस्ड बाय द फार्मर्स इन द अडॉप्टिंग हाई यील्डिंग वैरायटी एंड द रिकमेंडेड पैकेज ऑफ प्रैक्टिस वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है या इस प्रोग्राम का जो है ये कौन से प्रोग्राम से संबंधित है, तो ये नेशनल डेमोंस्ट्रेशन से संबंधित है जो ICAR के द्वारा चलाया गया था, इसमें आंसर नंबर 4 जाएगा। देन आगे ऑन फार्म टेस्टिंग टू असेस द लोकेशन स्पेसिफिसिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अंडर द वेरियस फार्मिंग सिस्टम इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ, ये KVK का मैंडेट के रूप में भी जाना जाता है जो ऑन फार्म टेस्टिंग का करता है, आंसर थर्ड जाएगा। अगला क्वेश्चन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एनालिसिस ऑफ सिचुएशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम डिटरमिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द प्लान ऑफ वर्क और एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान और इवोल्यूशन ऑफ द रिकंसीडरेशन ऑफ द स्टेप्स ऑफ दैट इज द प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस, आंसर नंबर 2nd जाएगा। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है 84 नंबर और 84 नंबर में आपसे पूछा गया था 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन द ईयर, कौन से ईयर में ये लॉन्च किया गया था, तो 1952 में, आंसर नंबर 2nd जाएगा। देन 85 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, कोऑपरेटिव का प्रिंसिपल नहीं है, दैट इज द नो लायबिलिटी, आंसर नंबर 1st जाएगा। देन अपनी मंडी इज आल्सो कॉल्ड, अपनी मंडी किस नाम से जानी जाती है, अपनी मंडी जो होती है किसान मंडी के नाम से जानी जाती है। देन अगला क्वेश्चन द मिडलमैन व्हिच एक्ट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर क्लाइंट्स, जो मिडलमैन जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है अपने क्लाइंट का, तो इस केस में जो आपका आंसर जाएगा वो 3rd वन जाएगा, दैट इज द एजेंट मिडलमैन। देन अगला क्वेश्चन Which one of the following is not a characteristic of the ISO revenue line? इनमें से कौन सा ऐसा करेक्टर जो ISO revenue line का नहीं है, तो 4th one जाएगा, that is the slope is not affected by a price changes, ये इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है 89 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनडिसकंटिन्यूड मेजर ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल अप्रेजल, अनडिसकंटिन्यूड कौन सा होता है, तो दैट इज द पे बैक पीरियड, 4th नंबर आंसर जाएगा इसमें। देन इज एन इंडिपेंडेंट ओरिजन बट नॉट अ स्केल, तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा, इस केस में आपका आंसर जाएगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट, क्योंकि ओरिजन और स्केल दोनों के लिए होता है तो वो कोरिलेशन हो जाता है, और जब एक के लिए ओरिजन के लिए स्केल के लिए तो रिग्रेशन जाएगा इसमें। अगला है मेथड ऑफ द क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर द कंटिन्यूस वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए काम में लिया जाता है, दैट इज द डिस्क्रीट मेथड काम में लिया जाता है, आंसर नंबर 1st जाएगा। देन आगे द बेस्ट नेटिव कैटल ब्रीड ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन के लिए बेस्ट ब्रीड आपकी कौन सी है, तो दैट इज द साहीवाल, आंसर नंबर 4th जाएगा। देन द इंडिविजुअल सिलेक्शन इज अ प्रीफर्ड व्हेन द हेरिटेबिलिटी ऑफ द ट्रेड इज कंसीडर्ड, इज हेरिटेबिलिटी जो होगी आपकी ट्रेड की कैसी होगी, तो इस केस में आंसर आपका 2nd वन जाएगा। वैसे इस प्रश्न के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन है, हो सकता है ये प्रश्न जो है इसका आंसर आपका गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें आंसर जो होगा वेरी लो होगा। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कलिंग इज द प्रोसेस ऑफ, कलिंग क्या प्रोसेस है, तो पहला आंसर आएगा इसमें दैट इज द इलिमिनेटिंग द सरप्लस इन द अनडिजायरेबल, वैसे अनडिजायरेबल एनिमल्स के लिए आता है कलिंग।
अगला प्रश्न है, परचेज ऑफ द डेयरी एनिमल शुड बी डन बेस्ड ऑन, एनिमल का परचेज किसके आधार पर आपको करना चाहिए, तो दैट इज द ब्रीड के कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, इसमें आंसर सेकंड जाएगा। देन द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ द बायोगैस, बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूट क्या होता है, तो मीथेन होता है, इस केस में आंसर आपका फर्स्ट बन जाएगा। बायोडीजल इज, बायोडीजल क्या है, बायोडीजल है जो एन अपग्रेडेड वेजिटेबल ऑयल होता है, इसमें आंसर आपका फोर्थ बन जाएगा। देन विच ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ द वॉशिंग ऑपरेशन फॉर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए वॉशिंग के लिए प्रॉपर मेथड कौन सा है, तो दैट इज द स्प्रे वॉशिंग प्रॉपर मेथड जाएगा इसमें। देन आगे बढ़ते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज नॉट सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग प्लांट के लिए जो होता है, ड्रिप सुटेबल नहीं है। देन द डिटेचमेंट ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ द सोइल पार्टिकल्स फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज टर्म्ड एज, दैट इज द सोइल इरोजन के नाम से जानेगा, इसमें आंसर आपका सेकंड बन जाएगा। तो ये जो है अपन ने प्री पीजी के 100 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुका है, ले हो सकता है इसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे हो जो डाउटफुल हो, कोशिश तो ये की गई है कि एररलेस रहने की कोशिश की गई है, लेकिन मे भी कुछ भी हो सकता है। और फाइनल आंसर की जो है जो यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की जाएगी वही आपकी फाइनल रहेगी, और आप जो है हल्दर क्लासेस उदयपुर से जुड़े हुए रहे, और इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।